मैम, सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। केजीएफ 26 दिनों से अभी तक बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज है, एक जो सवाल है वो ये है कि बाहुबली ने कर्नाटका में 129 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शंस किया था, और जिस तरह से ये फिल्म जा रही केजीएफ, जिसने ऑलरेडी 25 दिनों में 121 करोड़ तक का कलेक्शंस किया है, वैसे अगर सवाल ये होता कि क्या ये तोड़ पाएगी, तो मेरे ख्याल से वो सवाल गलत होगा, क्योंकि जिस तेजी से फिल्म आ रही है, सीधी बात है 2 महीने के ऊपर ही जाएगी, आराम से कर्नाटका में चलेगी। और यहां पर इतना तो साफ है कि ये फिल्म 129 करोड़ कमाकर बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी, वो भी कर्नाटका में। तो आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा इस फिल्म को वो रिकॉर्ड तोड़ने में, क्योंकि ऑलरेडी इसे अगर वो रिकॉर्ड तोड़ना है तो 8 करोड़ और कमाने होंगे ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से, 8 करोड़। एंड आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 वीक, नॉट मच, आई थिंक 1 वीक के अंदर और ये हो जाएगा, या फिर ये कहा जाए कि ये पूरा जो क्या बोलते हैं, चौथा वीक खत्म होते होते, नहीं चौथा नहीं, 5वां वीक चालू होते होते या खत्म होते होते, तब तक ये फिल्म वो रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा बाहुबली 2 का 129 करोड़ तक का रिकॉर्ड तोड़ने का, और उसके बाद आई थिंक ये फिल्म बन जाएगी कर्नाटका की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म किसी भी लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि जो भी फिल्म रिलीज हुई बहुत चलती है कर्नाटका में, हर एक लैंग्वेज की फिल्में चलती है, तो ऐसे में ये कर्नाटका की हो या फिर किसी और लैंग्वेज की हो, सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी कर्नाटका में, ऐसा मेरा मानना है। आप ही क्या राय जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही।